दोस्तों, जापान के साथ मिलकर हथियार बनाएगा भारत, चीन हुआ बेचैन। भारत और जापान तकनीक के दोहरे प्रयोग के साथ आपसी रक्षा उत्पादन में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने जापानी समकक्ष इत्सुनोरी ओनोडेरा के साथ मंगलवार को व्यापक विचार विमर्श किया। भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने का निर्णय उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण और चीन की तरफ से दक्षिण चीन सागर में अरियल रुख अपनाने के बीच आया है। दोनों देश मानव रहित विमान और रोबोटिक्स के क्षेत्र में शोध के लिए तकनीकी विचार विमर्श शुरू करने पर सहमत हुए। भारत अपनी नौसेना के लिए जापान से US-2 सिनमाएवा एयरक्राफ्ट खरीदने की योजना बना रहा है। दोनों देश थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच मजबूत होते संबंधों के साथ ही आतंकरोधी सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। दोस्तों, भारत और जापान अगर मिलकर काम करेंगे तो कुछ ऐसा बनाएंगे जिसे देखकर दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। फिर क्या चीन और क्या पाकिस्तान, हर कोई यही सोचेगा कि भारत और जापान से टक्कर लेना अपने अंत को दावत देना है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।